Hey, what is up YouTube? My name is Pradeep and you are watching my channel Motor Doctor. If you are one of my subscribers, then welcome back to the channel. And if you're seeing this face for the first time, I'll suggest to go and hit the red color subscribe button and make sure you hit the bell icon so that you can get notified whenever I upload any kind of new video. तो जैसे कि आपको पता है, मैं अपने चैनल में कुछ हमेशा नया करने की कोशिश करता रहता हूँ. कभी मैं ट्रैवल के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, कभी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में वीडियो बनाता हूँ. तो इस बार भी मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ जो काइंड ऑफ पॉडकास्ट होने वाला है. उसको बोल सकते हैं कि गरीबों वाली पॉडकास्ट. तो ये जो पॉडकास्ट होने वाला है, ये पहला एपिसोड है. सो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे क्वेश्चंस हैं, और मैं जिसको पूछने वाला हूँ वो भी एक नया यूट्यूबर है, बट वो अभी तक बहुत 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 जगह घूम चुका है. चलो, ओके गाइस, तो मेरे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं, फोन के दूसरे एंड में है. तो लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस हु इज द पर्सन बिहाइंड द कैमरा, नॉट एग्जैक्टली माय कैमरा, द ऑपोजिट साइड ऑफ कैमरा. हिज नेम इज पिकेट. एम आई करेक्ट पिकेट? या. ओके, सो हिज AKA Migrant Traveller. So, एक काम करते हैं, तो मैं अपना वॉइस जो है वो उसको लो कर लेता हूँ. तो पिकेट, क्विकली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कहाँ से हो, क्या करते हो? हेलो गाइस, हेलो गाइस, आई एम पिकेट, AKA Migrant Traveller. सो आई एम बेसिकली अ कंजर्वेशनिस्ट वर्किंग इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट. तो मैं अभी फिलहाल पलामू टाइगर रिजर्व जो झारखंड में, वहाँ काम करता हूँ और वहीं रहता हूँ. इस बिफोर दिस आई यूज टू वर्क इन द इको टूरिज्म सेक्टर इन कर्नाटका इटसेल्फ. तो ऑल दिस ट्रैवलिंग एंड ऑल दिस स्टफ एंड माय जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम कर्नाटका ओनली. क्या बात है. तो मतलब जो जर्नी था वाइल्ड लाइफ के ऊपर, उसी से ही सब कुछ स्टार्ट हुआ है? जी हाँ, वो लाइक ट्रैवलिंग वॉज वन ऑफ द थिंग्स विच वी यूज टू डू अ लॉट ड्यूरिंग आवर कॉलेज इन फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट. सो तो उसी टाइम से मुझे ट्रैवलिंग का कीड़ा लग गया और मुझे लगने लगा कि लाइफ तो ट्रैवलिंग के बिना हो नहीं सकती. तो बस स्टार्ट हो गया वहीं से सिलसिला अपने सफर का. अच्छा, तो ये जो माइग्रेंट ट्रैवलर है, अपना नाम जो दिया है माइग्रेंट ट्रैवलर, ये नाम दिमाग में कैसे आया? जी. एक्चुअली बात ऐसा था कि मैं कॉलेज के टाइम बर्ड वॉचिंग बहुत ज़्यादा करता था और मुझे बर्ड्स में बहुत इंटरेस्ट था. इनफैक्ट वन ऑफ द टॉपिक्स फॉर माय इंटर्नशिप वाज आल्सो रिलेटेड टू बर्ड्स. तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती थी, वो था बर्ड्स का फ्री नेचर. लाइक दे यूज टू ट्रैवल, दे यूज टू फ्लाई, बेसिकली फ्रीडम रहता था. तो उसी मैं उसी से इंस्पायर्ड हुआ, और ये माइग्रेंट वर्ड उसी से इंस्पायर्ड होके माइग्रेंट मैंने यूज़ किया, और ट्रैवलर तो फिर बाकी ट्रैवल करते करते तो मैंने ट्रैवलर ही लगा दिया. मुझे कुछ और मिल नहीं पा रहा था बेसिकली. तो पर जो या जो वर्ड माइग्रेंट है वो बेसिकली इंस्पायर्ड इज इंस्पायर्ड बाय बर्ड्स और उनके फ्रीडम से इंस्पायर्ड. अच्छा, क्योंकि मुझे भी बहुत लोग पूछते हैं कि ये जो मैंने अपना यूट्यूब का चैनल का जो नाम दिया है मोटर डॉक्टर, ये लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि ये नाम दिमाग में आया कैसे. तो मैं एक्चुअली मैं ट्राई कर रहा था मोटर डॉक्टर के लिए, नॉट डॉक्टर. तो लेकिन जो मोटर डॉक्टर का नाम था वो पहले से ही ले लिया गया था. तो मैंने सोचा कि चलो यार, ये डॉक्टर भी डॉक्टर टाइप साउंड करता है, तो ऐसे ही नाम दे दिया, फनी टाइप. तो ऐसे ही नाम ही आता है. तो माइग्रेंट ट्रैवलर, ये बहुत बहुत बढ़िया सोच है, नाम तो बहुत बढ़िया है. तो और ये जो दिमाग में जो कीड़ा आ गया है राइडिंग का, ये कहाँ से चढ़ा, कब और कैसे चढ़ा? अब जैसे लिया जाए तो मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो उसी टाइम से मुझे बाइक्स अच्छी लगती थी, मैं बाइक्स पे ट्रैवल भी करता था. पर अपन को उस टाइम राइडिंग कल्चर का ज़्यादा उतना एक्सपीरियंस था नहीं, ना ही देखा था कभी, और ना ही हमें पता था ट्रैवलिंग क्या होती है. लाइक जिंदगी में कहीं कभी कहीं घुमा नहीं था झारखंड के बाहर. अच्छा, फिर मैं मैनेजमेंट करने गया, फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट भोपाल. तो कॉलेज में रहते हुए हमने इतनी सारी जगह घूमी, इतनी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया. लाइक इट आई रियली गॉट एडिक्टेड टू ट्रैवलिंग एंड ऑल. फिर मैं जब जॉब लगा तो कॉलेज में प्लेसमेंट भी हो रहा था, तो मैंने ऐसे ही सेक्टर को चुना जिसमें मुझे ट्रैवलिंग का मौका मिल सके. तो इस तरह से करते हुए मैं आ गया कर्नाटका बैंगलोर. फिर जब बैंगलोर आया तो जॉब भी ऐसे ही था, जंगलों में रहना है, रिजॉर्ट मैनेज करना है. तो लगे हाँ, तो अपन ट्रैवल करते ही रहते थे. ये जंगलों में रहना, राइडिंग बेसिकली मतलब जब नेचर के साथ कनेक्टेड होकर रहना, ये मतलब बहुत एक अजीब, मतलब बहुत अच्छा फीलिंग टाइप होता है.
हाँ ये बहुत ही आपको आपको जीवन में बहुत ज्यादा सुकून रहेगा. लाइक यू आर अवे फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ टाउन एंड ऑल. देर आर नो देर इज नो वन टू डिस्टर्ब यू. ये देर इज नो वन टू डिस्टर्ब यू. कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन वट एवर द थिंग्स यू आर डूइंग. ये सब बहुत सुकून रहता है. प्लस आप जंगल में रहोगे आप ऐसी ऐसी चीजों को देखोगे ना जो आपको कभी एक सिटी लाइफ में टाउन लाइफ में देखने को नहीं मिल सकता. करेक्ट करेक्ट. तो अपन का वैसे ही रहा. क्योंकि मैं भी एक बार एक छोटी सी जगह है उसका नाम मैं भूल गया. थांडीकुड़ी एक जगह का नाम है जहाँ पे एक मेरा फ्रेंड का एक उसके सिस्टर का एक रिजॉर्ट है. वहाँ पे रिजॉर्ट तो नहीं बोलेंगे, एक ट्री हाउस हो गया. तो वहाँ पे हम मसीनागुड़ी नहीं थांडीकुड़ी. तो ये जो है शायद कोड़ाई कनाल के आसपास के एरिया में जी. तो मैं भी वहाँ पे जी, मतलब जी, दो जी, तीन जी. दिन ऐसे रहे थे और मतलब नेचर के साथ इतना कनेक्टेड हो गए थे यार क्या बताऊं. मतलब जो फीलिंग था उस टाइम वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी कम था और जो पूरा नेचर के साथ हम लोग वहाँ पे बैठ के रात में पूरा जो कनेक्टेड रहे थे वो बहुत अच्छा फीलिंग होता है. जी जी जी. तो अभी अगला सवाल ये है, अभी तक कहाँ कहाँ तक राइडिंग कंप्लीट हो चुका है और कितना किलोमीटर्स कंप्लीट हो गया? मुझे तो पता है लेकिन अब मेरे जो व्यूअर्स है उनको पता नहीं है. मैं मतलब ऑलमोस्ट मैं अभी ट्रिप मीटर पे मेरा 47 के घुसने वाला है ऑलमोस्ट. क्या बात है. तो राइड्स देखा जाए तो जब मैं बैंगलोर आसपास था तो मेरा कोशिश ये रहता था कि जॉब से ज़्यादा मैं कवर कर सकूँ उन एरियाज़ को जहाँ पता नहीं मैं रह पाऊँगा कि नहीं इन फ्यूचर. तो मैं मोस्टली बहुत अच्छी अच्छी जगह पर रहा. मेरा किस्मत भी ऐसा है कि मैं बहुत अच्छी अच्छी जगह पर पोस्टेड रहा. जैसे मैं अराउंड 6 मंथ्स बांदीपुर में रहा था तो मैंने कर्नाटका का वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन किया. फिर आपका मुन्नार वैली का कुछ कुछ रीजन्स किया केरला में. उसके बाद तमिलनाडु के कुछ सेक्शंस कर लिया. फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ मैंगलोर. तो उस दौरान मैं आराम से पूरा कोस्टल कर्नाटका कर चुका. फिर मैंगलोर के पास के वेस्टर्न घाट्स जैसे जिनमें आते हैं आपके चिकमगलूर और अगुम्बे और आपका ये सब सारी जगह मैं कर चुका हूँ, ट्रैवल कर चुका हूँ, राइड कर चुका हूँ सदर्न इंडिया में. और फिर आपका हैदराबाद तक गया हूँ. और लॉन्ग राइड्स ऐसे बोली जाए तो मेरी लाइफ का पहला लॉन्गेस्ट राइड था बैंगलोर टू भोपाल वाया हैदराबाद जो मैंने किया था विद इन 2 डेज. तो फिर उस तरह करते हुए महाराष्ट्र में भी राइड कर चुका हूँ, मध्य प्रदेश में भी राइड किया, छत्तीसगढ़ में भी राइड किया. अब ईस्टर्न इंडिया का देखा जाए तो अभी तक जहाँ तक है झारखंड कर चुका था, बिहार कर चुका था, उड़ीसा के सम पार्ट्स कर चुका हूँ, कोस्टल उड़ीसा अभी स्टिल देयर, वेस्ट बंगाल कर चुका हूँ, नॉर्थ ईस्ट में ओनली सिक्किम किया है. तो बस इतना हुआ है ईस्टर्न साइड में. और नॉर्थ में देखा जाए तो लाइक बस अभी तक दिल्ली और हिमाचल प्रदेश और ऑन 47,000 किलोमीटर ऑन द ODO. यार ये बहुत सही, बहुत बढ़िया नंबर है ये. और हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है कि ऐसा होता है कि लोग रोड ट्रिप में जाना चाहते हैं लेकिन जो कभी क्या होता है कि मोस्टली हम लोग जो ट्रिप का प्लानिंग करते हैं वो इतना ज्यादा वेल प्लान नहीं होता है. हम लोग क्या करते हैं अपना हम बैग पैक कर लेते हैं, सब कुछ डाल लेते हैं, एक डेस्टिनेशन चुन लिया और गाड़ी लेके निकल गए. तो इस जगह में जब तुम इतना राइड कर चुके हो तो मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा लोगों के साथ मिलना जुलना उनके साथ, मतलब कैसा रहा सब कुछ? मेरा तो ट्रैवलिंग का सबसे बड़ा रीजन, एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस रहा है कि अपने स्कूल टाइम्स में मैं सिर्फ झारखंड में रहा, कॉलेज टाइम में भी सिर्फ झारखंड में रहा. तो मुझे देखना था कि बाहर क्या है, मुझे लोगों को देखना था, वहाँ के कल्चर देखना था और बहुत सारी जितनी लाइक आई एम अ बिग फूडी ना, तो मुझे जितनी भी बड़ी बड़े अलग अलग जगह के खाने पीने की चीज़ें हैं वो सब खाना पीना था, एक्सप्लोर करना था. तो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशन और ये मेरा करने का मेन रीजन है. मुझे देखना है व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड इज आउट देयर. तो इससे क्या होता है ना कि आप यू आर नॉट लिमिटेड टू योर ओन बायसेस. जैसे आप बोलोगे ना कि लाइक देर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक पीपल डू नॉट एग्री विद द पीपल. लाइक एक छोटा सा एग्जांपल है, लाइक इंडिया है, नॉर्थ इंडियंस डू नॉट एग्री विद साउथ इंडियंस, साउथ इंडियंस डू नॉट एग्री विद नॉर्थ इंडियंस. करेक्ट करेक्ट. तो ऐसा क्यों है? अगर आप दोनों जगह रहोगे, आप नॉर्थ और साउथ दोनों में रहोगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ नॉर्थ इंडियंस की ये बात सही है, ये बात गलत ये है, बहुत, बहुत. साउथ इंडियंस की ये बात सही है, ये बात गलत है. तो आप एक 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 राइट लेवल के डिसीजन पे आ सकते हो इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपने पर्सनल बायसेस को हटा के. आपको सोच का दरिया बहुत बढ़ता है. ये दूसरा चीज जो आप बोल रहे हैं कि हाँ बोलिए आप. नहीं मैं बोल रहा था कि
जो बात कही है ना, ये बहुत 100% की बात कही है, क्योंकि जो लोग ट्रैवल नहीं करते हैं वो लोग, उनको यही लगता है कि नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन, लेकिन जो लोग ट्रैवल करते हैं हम लोग सिर्फ इंडियन नाम सोच के चलते हैं। हाँ तो ये बहुत बहुत बढ़िया बात कही है जी, आपने। तो ये हो गया। और आप जैसे आप बोल रहे थे कि शॉर्ट राइड्स में निकल रहे हो करेक्ट। विदाउट प्लानिंग, हाँ जी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि अगर एक दो दिन का राइड है, 3 दिन का राइड है, तो वैसा प्लानिंग चल सकता है। बट इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ 10 डे ट्रिप और एन 20 डे ट्रिप, तो यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड करेक्ट एवरीथिंग, करेक्ट। क्योंकि बहुत सारी चीजें हो जाती है ऑन द वे। आपका एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टायर पंचर हो गया आप लोग, अगर आप लोग, इनफैक्ट मैंने देखा है कभी कभी, अभी रिसेंट सिक्किम ट्रिप पे हम लोग एक दिन पीछे हो गए थे, बजट आगे पीछे गड़बड़ हो गया, रात को अपन ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विथ ईच एंड करेक्ट एवरीथिंग करेक्ट सही बात। लाइक। और इनफैक्ट वैसे आपको मान के चलना पड़ेगा कि कुछ भी हो सकता है, यू हैव टू बी प्रिपेयर, यू आर लाइक यू आर अगेंस्ट द वर्ल्ड और आप अकेले हो, आपको सब चीज तैयार करके जानना है, खुद को ऐसे आपको जानना सही है। बात सही बात। क्योंकि मैंने भी एक बार ट्राई किया था हाँ कि मेरा जो भी मोस्टली राइड्स होते हैं, जब भी मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ वो टोटली अनप्लान्ड होता है, कि मेरा मन किया 1-2 घंटे पहले कि चलो यार राइड पे चलते हैं, और इस टाइम में किसी को मना भी नहीं सकते, तो मैं अकेला ऐसे ही मतलब गाड़ी लेके निकल जाता हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि रात के 1 बजे थे, तो मैंने सोचा कि यार चलो चलते हैं कन्याकुमारी, क्योंकि मैं कभी कन्याकुमारी देखा नहीं था और मेरे साथ कोई जाने के लिए तैयार नहीं जी था। तो मैं बस ऐसे ही मतलब एक मिनट में प्लानिंग कर लिया कि चलो चलते हैं, तो मैंने अपना बस लगेज पकड़ा और गाड़ी लेके निकल गया एक साथ। हाँ तो मैं बोल रहा था कि इसी चीज को लेके बहुत लोग ट्रैवल नहीं करते हैं, कि वो लोग सोचते हैं कि यार बिना प्लानिंग के कैसे हाँ ट्रैवल किया जाए। तो ये काइंड ऑफ एक एडवेंचर जी भी है जी कि आप जा रहे हो, नया जगह पे जा रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो वहां पे आप सीखते हो। हाँ तो ये है नेक्स्ट सवाल। मैंने तुम्हारा जो इंस्टाग्राम है उसमें देखा कि यार बहुत सही सही पिक्चर्स हैं, और एक चीज मेरे दिमाग में मतलब बार हाँ बार हिट कर रहा था कि यार मैं अभी अभी हिमालय राइड करके आया हूँ, मैं लद्दाख मतलब जून में कंप्लीट करके आया हूँ, तो मैंने देखा कि यार हिमालय के जी फोटोज भी है, तो उसका कुछ एक्सपीरियंस बताओ अपने हिसाब से कि कैसा रहा। लाइक हिमालयस आर समथिंग अ पार्ट ऑफ एन इंडियन लैंडस्केप दैट विल चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली। लाइक कम्प्लीटली मतलब कम्प्लीटली, वो तो आपका जिंदगी के प्रति नजरिया चेंज कर देंगे आपको। लाइक यू विल स्टार्ट एडमायरिंग थिंग्स और यू विल बी स्टार्ट रिस्पेक्टिंग नेचर इन अ मच मोर ग्रेटर वे। करेक्ट करेक्ट। तो हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ हिमालयाज में कि हम जा रहे थे, हमारा स्टे था नाको, बट ड्यू टू अ लैंडस्लाइड वी वेर लैग बिहाइंड बाई 8 hours, तो वी कुड नॉट कंप्लीट अप टिल नाको, एंड दैट टू लैंडस्लाइड क्लियर्ड आफ्टर 6 o'clock इन द इवनिंग। तो नेक्स्ट 40 kilometers वी कंप्लीटेड इन अराउंड 2 hours, और जो ठंड में हमारा बैंड बजा था ना, तो हमें रियलाइज हुआ कि आप कितनी भी बड़ी बाइक क्यों ना ले लो, यू आर स्टिल अ प्यूनी ह्यूमन इन फ्रंट ऑफ नेचर। तो वो एक किस्सा हुआ। फिर नाको का सीन ये था कि अपन को टॉयलेट एंड बाथरूम जाने के लिए वहां पानी ही नहीं था, क्योंकि इट वॉज कंप्लीटली फ्रीजिंग सिचुएशन इन देयर। सो वी यूज टू गो आउट इन द ओपन एंड देयर टू लाइक द मोमेंट यू आर ड्रॉपिंग द वाटर विद इन 2 or 3 seconds इट बिकम्स आइस, ऐसा ऐसा ठंड था। तो वहां रह के मैंने देखा और रियलाइज किया कि लोगों का स्ट्रगल कितना होता है, और ये पहाड़ के लोग जिनको हम बोलते हैं, ये कितना एक नेचर से कनेक्टेड वे में जीते हैं। तो ये सब चीजें अगर आप वापस आके रिफ्लेक्ट बैक करोगे तो आपको बहुत सारी लाइफ की सीख मिल जाएगी, यार वाटर इतना वेस्ट नहीं करना चाहिए, और आप मतलब चीजों का नजरिया बदलता जाएगा आपका। तो मेरा वही चीज कहना, लाइक हिमालय से टिल नाउ हैव बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी एंड देयर आर अ लॉट मोर थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू एक्सपीरियंस। करेक्ट करेक्ट। फ्रॉम हिमालय। तो जो ये हिमालय का जो ट्रिप किया था, ये शायद मार्च में किया था जितना मुझे याद है, मार्च में किया था ना? नहीं, ये ट्रिप था मेरा, हम लोग बैंगलोर, लाइक वी लेफ्ट फ्रॉम बैंगलोर ऑन 29th of February, और मार्च फर्स्ट वीक से लेके हम लोगों ने 15 days किया, फिर कुछ दिन दिल्ली में रहे और फिर 18th को अपन वापस आ गए। तो ये सारा चीज मार्च के फर्स्ट वीक में हुआ था। अच्छा, मार्च के फर्स्ट वीक मतलब उस टाइम में शायद बर्फ रहता है और बर्फ पिघला नहीं होता है शायद ना? हाँ हाँ, वो मतलब कंपैरेटिवली बर्फ
लास्ट ईयर के मुकाबले बहुत कम थी. लाइक देर वॉज ऑलमोस्ट नो आइस एट ऑल. बट मॉर्निंग्स में जैसे आप जा रहे हो हायर एल्टीट्यूड्स में गाजा के आगे, तो यू कुड लाइक राइड ऑन आइस, ऐसा सिचुएशन था. बिकॉज दैट टाइम स्नो हैड जस्ट स्टार्टेड मेल्टिंग फ्रॉम द सन रेज, तो ऐसे सीन रहता था. तो हमने भी थोड़ा एक्सपीरियंस किया. तो ऐसा कभी सिचुएशन आया है कि क्योंकि मोस्टली उसी एरिया में कि ब्लैक आइस आ जाते हैं रोड पे, तो उस टाइप का कोई सिचुएशन आया है? हाँ, ऐसे तो सिचुएशन आया. लाइक हम काजा के आगे चीचम ब्रिज तक गए थे, काजा के आगे अपन लोसर तक गए थे, तो वहां तक कवर करने में हमें बहुत सारी जगह ब्लैक आइस मिली. बट फॉर्चुनेटली मेरे साथ जो मेरा दोस्त था सोबान, वो उसने लास्ट ईयर राइड सेम राइड किया हुआ था, तो ही वॉज एक्सपीरियंस. सो स्टार्टिंग द राइड इटसेल्फ वी गॉट आवर टायर्स चेंज्ड, वी इंस्टॉल्ड बटन टायर्स ऑन टू आवर मोटरसाइकिल्स, और थोड़ा सा ऑफ रोडिंग के लिए हो गया था, तो हमें अच्छी खासी ग्रिप मिल रही थी. दूसरा चीज ये कि आप ब्लैक आइस पर चला रहे हो तो आपको थोड़ा केयरफुल होकर चलना होगा, क्योंकि प्लेन रोड तो है नहीं, ये एक पहाड़ी रास्ता है, थोड़ा सा चूचा हो गया और आप खाई में गिर सकते हो. ये मेरा मेन कंसर्न तो ये रहता था, रोड पे गिरे नहीं गिरे, खाई में नहीं गिरना है. तो ऐसे अपन थोड़ा डर डर के थोड़ा सा धीरे धीरे चलाते चलाते हमने पार किया. बट इट वॉज गुड लर्निंग एक्सपीरियंस. गुड एक्सपीरियंस करेक्ट, क्योंकि मैं जब लद्दाख गया था कि वहां पे जाते हैं तो यार सिचुएशन हम लोग जिस हिसाब से सोच के जाते हैं वहां पे सिचुएशन चेंज हो जाता है. तो मतलब जी एग्जैक्टली आप जैसा करोगे करेक्ट, तो वैसा ही कुछ हुआ था. तो इसी से लेके मतलब ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट कुछ हुआ है कि मतलब पूरा जिंदगी भर याद रहेगा, ऐसा कुछ हुआ है? लाइक हाँ, एक मेरे साथ एक छोटा इंसिडेंट हुआ था अभी जो मैं रिसेंट सिक्किम ट्रिप पे गया था. उस पर यह हुआ था कि दो इंसिडेंट्स थे, बट आई वुड टेल द वन विच वॉज लाइक मोस्ट लर्निंग, और थोड़ा सा मतलब क्या कैसे बताऊं. लाइक ऐसा एक सिचुएशन था, लाइक वी आवर सेल्स वेर लाइक अनेबल टू डू एनी थिंग बिकॉज वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल लुक फॉर आवर सेल्स. द फर्स्ट रूल यही है कि माउंटेन्स में आप किसी की हेल्प करो ना करो, पर पहले आपको देखना है कि आप किसी की हेल्प करने के हालत में हो, ठीक है, तभी आप किसी की हेल्प करो. पता चल रहा है कि किसी और को हेल्प करने के चक्कर में आप खुद को एंडेंजर कर लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो हम लोग के साथ हुआ था कि हम लोग गुरु दोंगमार लेक राइड पे गए थे, और अलॉन्ग द वे आई मेट अ फ्यू राइडर्स फ्रॉम रांची. तो हम लोग इनिशियली दो लोग थे, तो हमारा ग्रुप एक्सपैंड हो गया, सो नाउ वी वेर अराउंड 6 to 7 राइडर्स. तो रिटर्निंग फ्रॉम गुरु दोंगमार आई रियलाइज्ड वन थिंग, दैट ऑक्सीजन बहुत कम है. और सडनली आर्मी वालों ने हमें इंस्ट्रक्ट किया था कि 12 बजे तक आप लोग कैसे भी आ जाए, वी वर ऑलरेडी लेट. तो जब मैं निकला गुरु दोंगमार लेक से, तो आई वॉज द लास्ट पर्सन, और सडनली लाइक इन अ फ्लिक ऑफ अ सेकेंड द वेदर चेंज्ड. लाइक कोल्ड विंड स्टार्टेड ब्लोइंग, पूरी हवाएं चल रही हैं, देर वर डस्ट स्टॉर्म्स, और मौसम पूरा ठंडा हो रहा है. एंड यू कुड फील, लिटरली फील दैट ऑक्सीजन इज ड्रॉपिंग बिलो द रिक्वायर्ड परसेंटेज लेवल, बिकॉज आपकी सांस फंसने लगेगी. तो ऐसा सिचुएशन हुआ था. तो मैं भी थोड़ा डर गया और मैं जल्दी जल्दी चलाने लगा. तो अलॉन्ग द वे मैंने देखा कि एक सुमो है, और सुमो के आसपास लोग बेहोश पड़े हैं उल्टियाँ कर रहे हैं. तो जब मैं पार हो रहा था, तो हमारे ग्रुप के दो भैया तीन भैया रुक गए, और उन्होंने हमें इशारा किया कि तुम लोग जाओ चेक पोस्ट जाओ, वी विल सी. तो अपन चेक पोस्ट गए, भैया लोग का वेट कर रहे थे. तो वो भैया लोग जब आए, उनमें से तीन लोगों को लेके आए, उनको बताया कि इनका सांस फूल गया, ये वो. तो फिर आर्मी बाकी लोगों को रेस्क्यू करने गया, तब जाके मुझे पूरी स्टोरी पता चली कि हुआ क्या एक्चुअली वहाँ पे. आप जब आप एक आप मेन रोड पे आप टारमैक से गुरु दोंगमार जाने के लिए आपको मेन टारमैक रोड से एक छोटे से हिल पे क्लाइंब करना है, हिलॉक पे, जो कि एक पूरा ऑफ रोड है. तो उसमें वो सुमो वाले की गाड़ी नहीं चल रही थी, तो उसने इन लोगों को बोला कि आप लोग चल के चल जाओ, गाड़ी नहीं चल रही, फंस गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो दीज गाइज लाइक दे गॉट हाइपर एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग विद द सुमो गाय, ठीक है. दे वर नॉट कंसिडर्ड, दे स्टार्टेड फाइटिंग, दे स्टार्टेड शाउटिंग ऑन हिम. सो ड्यू टू दैट रीजन दे लॉस्ट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड दे स्टार्टेड हैविंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स. तो ये सिचुएशन हुआ था. तो हमें भी थोड़ी एक्सपीरियंस हुआ था, एंड वी रियलाइज कि क्या होता है. तो वी सैट देयर. बट एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आर्मी वालों का रिस्पॉन्स लाइक दैट वाज सुपर. लाइक द मोमेंट वी रीच्ड एंड द भैयास केम बैक एंड इन्फॉर्म दैट सच अ सिचुएशन हैड हैपेंड, दे क्विकली सेंट थ्री जिप्सीज अप देयर, उनको लेके आए. और वहाँ पे उनका एक 15,000 फीट करके एक कैफे है, जहाँ पे आपको फ्री कॉफी और फ्री गर्म पानी मिलेगा, लाइक यू कैन एंजॉय, और एक नॉमिनल रेट पे आप खा भी सकते हो, बहुत अच्छा कैफे है. तो ये एक 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 एक
मेमोरेबल इंसिडेंट रहा मेरी रिसेंट ट्रिप से, लाइक यू शुड नॉट प्ले विथ नेचर, यू शुड रिस्पेक्ट द नेचर एंड यू शुड रिस्पेक्ट द रूल्स लेड आउट फॉर एनी प्लेस. अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो बहुत गड़बड़ हो सकता है यार, मतलब प्रॉब्लम हो सकता है ऐसा. सही बात है. तो मतलब ये जो हम लोग वहाँ पे जाके इतना अपना सांस फूल जाता है, तो जो इंडियन आर्मी है हमारी, इंडियन आर्मी को इतने ऊपर रह के मतलब 365 डेज वो वहाँ पे रहते हैं, वहीं की सिचुएशन में वो लोग एडप्ट हो जाते हैं, तो मतलब हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी. करेक्ट. जी. तो हाँ, तो ये जो है मोस्टली लोग सोचते हैं कि राइड करने के टाइम में राइडिंग गियर कितने मायने रखता है, तो तुम्हारे हिसाब से क्या विचार है इसके ऊपर? मेरे हिसाब से तो आई एम इन कंप्लीट फेवर ऑफ राइडिंग गियर्स, क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में करता था मेरे पास उतना नॉलेज नहीं था, तो मैं एक सिंपल जैकेट में करता था, नॉर्मल सा नॉन ईसीई या डॉट का हेलमेट था. तो लोगों ने मुझे समझाया और एक बार मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, अगर लंबा जाना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो हमें प्रॉपर गियर्स लेना होगा. तो फिर मैंने गियर्स खरीदा, गियर्स यूज़ करने लगा. स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ, बट ये डिस्कम्फर्ट उस डिस्कम्फर्ट से कम था जो आपको एक्सीडेंट या फिर चोट लगने के बाद होती. तो दिमाग में एक सेट था. और लॉन्ग जर्नीज का आप कुछ कह नहीं सकते यार, कहीं भी लॉन्ग जर्नीज या शॉर्ट राइड भी ले लो, कुछ भी एक्सीडेंट होता है, सब एक विद इन अ फ्लिक ऑफ अ सेकंड, 1/10 सेकंड में हो जाता है. तो अब आप सोचोगे कि प्रेडिक्ट कर लूँगा, नहीं हो पाता यार. तो बेटर यही है कि आप अपने हिसाब से सेफ्टी लेके चलो, खुद को सिक्योर करके चलो. सही बात है, क्योंकि अभी तो जो चल रहा है मोस्टली हम लोगों को जो मतलब इंडियन सोसाइटी जैसे देखते हैं कि हम लोग राइडिंग गियर पहन के चलते हैं, तो उन सबको लगता है कि हम लोग रेस कर रहे हैं रोड पे. तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहा है, तो हम लोग राइडिंग गियर इसलिए पहनते कि अगर कभी एक्सीडेंट हो गया तो ये मतलब जो बड़े क्रैशेस होते हैं उसमें तो बचा नहीं पाएगा, लेकिन अगर जो छोटे मोटे एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें तो बचा ही सकता है अपना जो राइडिंग गियर है, स्क्रैचेस वगैरह. और हेलमेट तो मोस्टली उनका दिमाग बचा देता है. तो ये जो राइडिंग गियर है हम लोग सेफ्टी के लिए पहनते हैं, ना कि रोड रेस के लिए पहनते. लोगों को लगता है कि हम लोग रेस करते हैं, भाई हम लोग रेस नहीं करते, हम लोग सुरक्षा के साथ सेफ्टी के साथ जाना, अपने लाइफ को हम लोग केयर करते हैं, इसलिए हम लोग राइडिंग गियर पहनते हैं यार. जी तो चलो. हाँ, ये जो सवाल है ये सारे मोस्टली अभी यूट्यूब में बहुत वगैरह देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूब बोलते हैं कि जो 150 सीसी मोटरसाइकिल है कैपेबल नहीं है, और वो यूथ को एनकरेज कर रहे हैं कि 200 सीसी से या फिर 250 सीसी या 300 सीसी या उसके ऊपर के मोटरसाइकिल लेने के लिए वो लोग मतलब यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं. क्या तुम्हें लगता है कि बिलो 150 सीसी मोटरसाइकिल कैन डू एनी काइंड ऑफ रोड ट्रिप? मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर आप 1200 जीएस ले लो या मल्टी स्ट्राइडर ले लो, पर आपके पास इनफ एक्सपीरियंस नहीं रहा तो आप हिमालयस कर ही नहीं पाओगे. या फिर वाइस वर्सा, अगर आप एक फुल एक्सपीरियंस राइडर हो बट यू डू नॉट नो द बेसिक्स ऑफ योर बाइक, तो आप कितनी भी अच्छी बाइक ले लो तो भी आप नहीं कर पाओगे. तो मेरे हिसाब से लाइक इट इज़ द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द राइडर एंड द राइड इटसेल्फ विच मेक्स एनी राइड सक्सेसफुल. तो मेरे हिसाब से दोनों के बीच आपको थोड़ा मतलब इस तरह की बड़ी ट्रिप्स करने से पहले आप एक्सपीरियंस गेन करो, राइड्स पे जाओ, अपने राइड से कनेक्ट करो. आपको एकदम पता होना चाहिए किस सिचुएशंस में आपकी बाइक सही जाएगी, किस सिचुएशंस में वो धोखा दे सकती है. आपको अपनी बाइक्स की इंट्रिकेसीज आनी चाहिए, उसके पुर्जे बदलने आने चाहिए, और मतलब आप एक तरह से यू शुड बिकम वन विथ योर बाइक वाइल राइडिंग, ये मेरा कहना है. दूसरी बात ये, लोग कहते हैं 100 सीसी ये सब बकवास है यार, मतलब लोग स्कूटर पे करते हैं यार, बेसिकली स्कूटी पे कर रहे हैं यार, मतलब उनके सामने अब आप अपनी ड्यूक लेके जाते, तो कभी कभी लाइक मुझे लग जाता है कि यार इन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, लाइक ये तो अलग लेवल का हो गया. तो बात फंडा वही है, अगर आपके मन में डिटर्मिनेशन रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वेदर इट इज अ स्कूटी, इट इज अ ड्यूक, इट इज अ स्कूटर और इट इज अ मल्टी स्ट्राइडर, इट डज नॉट मैटर. यू शुड हैव दैट राइडिंग स्पिरिट. और अंत में राइडिंग यही तो होता है, लाइक टू चैलेंज योर सेल्फ, टू गो बियॉन्ड वट इज योर कैपेसिटी और टू डिस्कवर न्यू, लाइक. और मैं तो बेसिकली सोलो राइड्स पे जाता हूँ, और राइडिंग करना मेरा एक रिक्रिएशनल तरीका है, क्योंकि लाइफ कैन गेट रियली फ्रस्ट्रेटिंग एंड रियली बिचिंग समटाइम्स.
तो जब भी मैं इस तरह की लंबी राइड से आता हूँ तो लाइक आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस यार, लाइक सोलो कर लिया जिंदगी, लाइफ क्या है, लाइक वो भी कर ही लेंगे यार, ऐसी सिचुएशन से मैं कर लिया, अकेले कर लिए, इन इन मुसीबतों का सामना कर लिया, तो यू आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस यार, लाइक यू कैन फाइट लाइफ एनी टाइम वाला सिचुएशन हो जाता है, अब तो जो आएगा देख लिया जाएगा, तो ये सब चीजें होती है, लाइक खुद में एक कॉन्फिडेंस आता है। मेरे लिए तो राइडिंग का ये मायने है, लाइक इट इज समथिंग दैट रिजुविनेट्स मी आफ्टर अ बैड फेज या फिर आफ्टर हेक्टिसिटी ऑफ लाइफ, तो राइडिंग मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो मैं जब लद्दाख गया था मैंने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो देखे कि कौन से मोटरसाइकिल कैपेबल है लद्दाख के लिए, तो मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, तो बहुत बहुत लोग डिस्करेज कर रहे थे यही चीज बोल के कि 150 cc कांट डू लद्दाख। तो उसी चीज के लिए मैं जो अपना FZ है उसको लेके गया था और मैं लद्दाख 150 cc में लद्दाख कंप्लीट करके आया। और जब मैंने लद्दाख किया था मेरा बॉडी वेट था जी 92 किलोज, और उसको वो FZ खींच के लेके गया। तो सोच सकते हो कि यार एनी काइंड ऑफ मोटरसाइकिल विल गिव यू द कॉन्फिडेंस बट यू नीड टू शो द डिसिप्लिन टुवर्ड्स द मोटरसाइकिल। हाँ एकदम सही है। इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड है उसने भी अपनी होंडा शाइन में ये लद्दाख कवर की थी विथ हिज गर्लफ्रेंड हु वाज राइडिंग अ स्कूटी यामाहा रे। तो आप सोच सकते हैं कि लाइक नथिंग इज इम्पॉसिबल यार, लाइक यू कैन डू इट इफ यू जस्ट नीड टू हैव दैट डिटर्मिनेशन कि मुझे करना है। तो ये सीन है। हाँ तो मेरे जो जितने सारे सवाल थे मैंने सब कुछ पूछ लिया है, तो अगली बार ऐसा करते हैं कि सवाल आपका होगा और नेक्स्ट टाइम अगर मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस एंड आई विल बी आस्किंग टू द यूट्यूबर्स और हूएवर विल बी ऑन द अदर साइड। सो इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू पिकेट AKA माइग्रेंट ट्रैवलर। या तो बहुत अच्छा लगा, जी बहुत जी अच्छा जी लगा आपके साथ एकदम आपसे ही बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। तो होपफुली हमारे जो व्यूअर्स हैं सबको ये जो पॉडकास्ट है अच्छा लगा होगा। आई विल बी लिंकिंग द चैनल नेम ऑफ पिकेट द माइग्रेंट ट्रैवलर, यू कैन गो अहेड एंड चेक आउट फॉर हिज चैनल एंड हिज इंस्टाग्राम हैंडल इज ऑल्सो देयर ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, यू कैन गो एंड चेक आउट हिज इंस्टाग्राम, ही हैज अमेजिंग पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, आई विल सजेस्ट यू टू गो एंड सी हिज पिक्चर्स, इट्स रियली अमेजिंग। सो तो आज का पॉडकास्ट तो आज का पॉडकास्ट सेशन यहीं पे खत्म करते हैं एंड अगले सेशन में देखते हैं कि कौन होगा दूसरी तरफ में। तो चलिए इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू पिकेट। या सेम ईयर। ओके सो तो एंड करने का टाइम हो गया। दिस इज मोटर डॉक्टर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।